इस बार क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए स्टेनोग्राफर में। तो ऐसा अगर रह गया तो सारा सीट खाली रह जाएगा, 10 सीट भी नहीं भर पाएगा। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ इस इन सब चीज़ों का सेंटर है, जहाँ सिखाया जाता है, वहाँ सबसे हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि इस तरह का तो कहीं सिखाया ही नहीं जाता है। और बाइलिंगुअल लोग मतलब नहीं यूज करते हैं। कोई भी बहाली जब आती है तो लास्ट वैकेंसी जब आती है, उसके बाद जो वैकेंसी आती है ना, जिस ईयर तक लास्ट वैकेंसी में उम्र की गणना की जाती है, उसके तुरंत बाद से अगले वैकेंसी में की जाती है। तो 2016 में जिनकी उम्र थी मैक्सिमम उम्र और अभी नहीं है, तो उन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 6 साल बाद अब वैकेंसी निकाले हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में है और यहाँ पे हमारे साथ दिलीप हैं, जो छात्र नेता हैं, अलग अलग छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं हमेशा। जैसे कि पिछले बार BPSC के लिए आवाज़ उठाए थे, उसमें लाठियाँ खाए थे काफ़ी सारा, और अब आवाज़ उठा रहे हैं सिविल कोड का बहाली आया है काफ़ी लंबे टाइम बाद। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, आखिर क्या उनका मामला है क्या। और दिलीप जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल कोड का बहाली 6 साल बाद आया है, क्या कुछ हुआ बताइए। देखिए, 6 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे सिविल कोड के लिए। इसमें 4 तरह का पोस्ट है, जिसमें स्टेनोग्राफर भी है, रीडर है, चपरासी है, इस 4 तरह का पोस्ट है। लेकिन खुशी तो हुई वैकेंसी आने के बाद, लगभग 1500 के आसपास स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, सीट है, और कुल मिलाकर 7000 के आसपास है। लेकिन खुशी के साथ साथ निराशा भी छात्रों में ये हो गई है। किस लिए हो गई? निराशा हो गई कि जैसे स्टेनोग्राफर के लिए जो वैकेंसी आई है, तो इसमें होना चाहिए था या तो हिंदी मीडियम या अंग्रेजी मीडियम विकल्प होना चाहिए, चूज कर सकते, या बाइलिंगुअल, मैंने 3 ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास रहना चाहिए। जो बाइलिंगुअल में देना चाहते हैं वो बाइलिंगुअल में अप्लाई करते, जो हिंदी मीडियम में चाहते हैं हिंदी मीडियम, या जो अंग्रेजी चाहते, क्योंकि कोई एक ही में सीखते हैं, या तो हिंदी मीडियम में या फिर अंग्रेजी में प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे इस बार क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए स्टेनोग्राफर में। तो ऐसा अगर रह गया तो सारा सीट खाली रह जाएगा, 10 सीट भी नहीं भर पाएगा। हाँ, सीट अगर भरेगा, अगर इसमें धांधली की जाएगी, सेटिंग किया जाएगा, तब सीट भरेगा, ऐसे ईमानदारी से सीट नहीं भरेगा। क्योंकि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ इस इन सब चीज़ों का सेंटर है, जहाँ सिखाया जाता है, वहाँ सबसे हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि इस तरह का तो कहीं सिखाया ही नहीं जाता है। और बाइलिंगुअल लोग मतलब नहीं यूज करते हैं, किसी को हिंदी में है रुचि तो हिंदी में टाइपिंग सीखते हैं, स्टेनोग्राफर का काम करते हैं, या फिर अंग्रेजी में। बाइलिंगुअल इससे पहले भी वैकेंसी आई थी, लेकिन उसमें दोनों ऑप्शन था, हिंदी का भी था, इंग्लिश का, जिसको जिसमें करना है उसमें ही बाइलिंगुअल वाले जो पोस्ट थे वो खाली रह गए थे। तो इस बार ये वैकेंसी तो 1500 दिख रहा है स्टेनोग्राफर का, लेकिन सीट खाली रह जाएगा। इसमें जो भी बहाली होगी तो मुश्किल से 5% हो सकता है कि ईमानदार लोग जाएं, क्योंकि संख्या ही नहीं है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वालिफाई कर सके, जिनके पास दोनों की योग्यता हो, नहीं है ऐसा, संख्या ही नहीं है। तो फिर तो सारा मतलब फॉर्म भरने से पहले ही वो खाली हो जा रहा है, लोग फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो उस वैकेंसी का क्या मतलब। वैकेंसी आप निकाल दीजिए और पता चला सारा सीट खाली रह जाएगा, तो वैकेंसी का कोई मतलब नहीं। तो परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की मांग है, सरकार से मांग है, कि नीतीश कुमार जी से खासकर मांग है, तेजस्वी यादव जी से मांग है, सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी अभी बिहार में 6 साल बाद आई है, उसमें आप विज्ञापन को संशोधित करवाइए। संशोधित ये करवाइए कि जो स्टेनोग्राफर के लिए है उसमें आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, यानी विकल्प दीजिए, ऑप्शनल होना चाहिए। कोई हिंदी में देना चाहे हिंदी में दे, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, या बाइलिंगुअल जिनका हो बाइलिंगुअल, ये ऑप्शन तीनों रहना चाहिए, जिनको जिसमें होगा वो भरेंगे। और इसके साथ ही जो त्रुटि की बात है, 5% ही रखा गया है इसमें, 5%, जबकि पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी आई थी उसमें स्टेनोग्राफर का था, उसमें 15% तक रखा गया था। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए, कि आप अचानक से कोई चीज़ बहुत बड़ा परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा 800 लग रहा है फी, यानी कि फॉर्म का अलग अलग पोस्ट के लिए है तो 800। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो फॉर्म हम आवेदन शुल्क माफ़ कर देंगे, निःशुल्क फॉर्म बढ़ाएगा, ये हम नहीं करते, तेजस्वी यादव जी बोले थे। तो हम लोग की ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप निःशुल्क कर दीजिए, हम लोग कह रहे हैं 150 से 200 शुल्क रखिए। 800 बेरोजगार युवाओं से वसूलना ये तो बहुत तकलीफ दे रहा है, हर एक पोस्ट के लिए 800, एक के लिए 600 है शायद, और बाकी 3 पोस्ट के लिए 800 लग रहा है। तो ये बेरोजगार युवाओं से इस तरह से अगर आप वसूलिएगा पैसा, कहाँ से देंगे स्टूडेंट, तो ये नहीं होना चाहिए। और एज की जो गणना की बात है वो वैसा भी समस्या है, 2016 में वैकेंसी आई, उसके बाद आप 6 साल बाद वैकेंसी निकाले, और इन जो 6 साल में जिनका उम्र समाप्त हो गया तो उनके लिए क्या आप कर रहे हैं। कोरोना बीच में आया, तो कोई भी बहाली जब आती है तो लास्ट वैकेंसी जब आती है, उसके बाद जो वैकेंसी आती है ना, जिस ईयर तक लास्ट वैकेंसी में उम्र की गणना की जाती है, उसके तुरंत बाद से अगले वैकेंसी में की जाती है। तो 2016 में जिनकी उम्र थी मैक्सिमम उम्र और अभी नहीं है, तो उन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 6 साल बाद अब वैकेंसी निकाले हैं। तो ये समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या स्टेनोग्राफर के साथ है, कि इसमें जो बाइलिंगुअल अनिवार्य कर दिया गया है वो अनिवार्य नहीं होना चाहिए,
वो वैकल्पिक होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, जिनको अगर मन हो भरे, जिनको मन हो नहीं भरे, यानी हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए और बाइलिंगुअल। आप ऑप्शनल कर दीजिए, तीनों कर दीजिए, जिनको जिसमें मन होगा अपना अप्लाई करेंगे। बाइलिंगुअल करके कंपलसरी कर दिया, आपको दोनों में देना ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में देना पड़ेगा, अनिवार्य हो गया। नहीं तो फिर में सीखे हो क्या करेंगे, फेल कर जाएंगे। वो फॉर्म खाली रह जाएगी, फॉर्म भी भर देंगे तो कुछ नहीं होगा, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होने वाला है, वो फेल करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म भरने से पहले ही सीट खाली रह जा रहा है। एग्जाम होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम होगा रिजल्ट आएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म भरने से पहले ही सीट खाली रह जाएगा सारा। और जो भी लोग जाएंगे, कुछ लोग ईमानदारी से जाएंगे, बाकी सेटिंग से जाएंगे, यही होगा। क्योंकि जब स्टूडेंट हैं ही नहीं जो बाइलिंगुअल सीखे हुए हैं, तो फिर कहाँ से उसमें पास कर जाएंगे भाई? क्या दूसरे ग्रह से तो नहीं ना आ जाएंगे अचानक से? संभव नहीं है। या आप एक साल पहले ये सूचना दे देते कि अगले साल हम वैकेंसी निकालेंगे और स्टेनोग्राफर जो है बाइलिंगुअल होगा, तो एक साल में लोग व्यवस्था करते, सीखते, कुछ करते। लेकिन आप अचानक से वैकेंसी निकाले और अभी अचानक से बाइलिंगुअल कर दीजिएगा, तो कहीं से कोई सीखे हुए हैं नहीं, तो अब संभव भी नहीं कि दो दिन में आप सीख लीजिएगा, तो ये सीट खाली रह जाएगा, तो वैकेंसी निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सरकार से आग्रह समस्त अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आप इस पर विचार कीजिए, गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आप हम लोग की हर बात को मान लीजिए, नहीं, जो न्यायोचित मांग है उसको आप मानिए और छात्रों के साथ आप न्याय कीजिए। और स्टेनोग्राफर के लिए जो आपने बाइलिंगुअल अनिवार्य किया है उसको ऑप्शनल कीजिए और हिंदी इंग्लिश सब के लिए कर दीजिए, जो ऑप्शनल हो जाए। तो ये बताइए, जब आखिर जब मई नहीं हो पाएगा, अगर छात्र सरकार बात नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग हर स्तर पर जा रहे हैं, जो बोर्ड वैकेंसी निकाली वहाँ भी हम लोग आवेदन दिए हैं, जो डिमांड है उसको रखे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी रखे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर अभी हम वहीं से आ रहे हैं, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग में भी हम लोग लिखित रूप में दिए हैं। इस पर विचार सरकार करे, अगर नहीं करती है सरकार विचार और इन अभ्यर्थियों के साथ अगर न्याय नहीं किया जाता है, तो फिर मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम लोग सड़क पर उतरने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार मजबूर करती है या भर्ती आयोग मजबूर करती है, तब हम लोग सड़क पर उतरते हैं। तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह जाके आवेदन दे रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से बात मानिए और इसमें विज्ञापन में संशोधन कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे पहले शिक्षक बहाली में विज्ञापन में कई बार संशोधन हुआ, बीपीएससी का विज्ञापन आता है उसमें संशोधन होते रहता है, बीएसएससी का विज्ञापन आता है उसमें संशोधन होता रहता है। इसमें अगर संशोधन ही हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, संशोधन करवा दे सरकार, सरकार के हाथ में है। अगर नहीं ऐसा किया जाएगा तो फिर सड़क पर उतरेंगे अभ्यर्थी। आप लोग छात्र हैं, आप लोग का टाइपिंग किस इंग्लिश मीडियम में किया है, हिंदी मीडियम? ओनली इंग्लिश। टाइपिंग है हमारा दोनों है, लेकिन स्टेनो है, इंग्लिश है, जो कि अब भर तो सकते नहीं, अब दोनों मैंडेटरी, बिना भरे हुए आगे बढ़ ही नहीं सकते, वहीं पे फॉर्म रुक जा रहा है। अब हमारा मैंने सीखा इंग्लिश, अब 5 साल से, 2018 से मैं सीख रहा हूँ 5 साल से, ठीक है, मैं SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। अब मैं किस राज्य के सामने हाथ फैलाऊँ, किस राज्य के सामने हाथ फैलाओ, जबकि हर एक राज्य अपना निकालता है तो वो कहता है कि हमारे राज्य वाले बच्चे अलग रिजर्वेशन देंगे, हमारे राज्य में सभी को वो इंक्लूड कर देते हैं एक ही में, अब बेचारे जनरल वाले भी मरते हैं। और साथ साथ हम लोग को भी अन्य कैटेगरी वाइज सीट बताया गया कि इतना सीट इस कैटेगरी को मिला है, तो एग्जाम से बाहर रह जाएंगे आप लोग? बिल्कुल बाहर रह जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, यही वैकेंसी 2016 कितने अलग अलग आई थी, तो इस बार संयुक्त कैसे हो सकता है? 2016 में वैकेंसी आई थी, इंग्लिश का अलग था, हिंदी का अलग था, बाइलिंगुअल का अलग था, तो इस बार कंबाइन कैसे कर दिया गया है? ये तो संशोधन होना ही चाहिए। और इस बार, पिछला बार 2016 में एक भी सीट नहीं भरा गया था, तो इस बार बाइलिंगुअल अगर हो जाएगा तो ये तो पूरा सीट 1562 तो ऐसे ही खाली जाएगा, इसमें तो होना ही नहीं है, किसी का नहीं है। सर, 2016 में वैकेंसी निकली थी, उस समय सारा डाटा इसका इनका सही था, गोट का, इंग्लिश के लिए सीट भी था, हिंदी के लिए भी था और बाइलिंगुअल के लिए भी था। लेकिन इस बार जो निकाला गया है पूरी तरह से, जैसे एक बार वैकेंसी दे दिया गया कि 1562 रहेगा, इसमें सीट भी नहीं मेजर किया गया, कितना कैटेगरी का, कौन कैटेगरी का कितना सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि टाइपिंग का दे दिया, टाइपिंग का फॉन्ट पता नहीं है, किस पे हिंदी का टाइपिंग करना है, बस इसी लिख दिया गया है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या हम लोग का आ रहा है कि बाइलिंगुअल मांग लिया गया है, अब बाइलिंगुअल भर, जब तक आप इंग्लिश और हिंदी का क्राइटेरिया नहीं भरिएगा तब तक आगे नहीं आ रहा है, आपको भरना ही पड़ेगा, जबकि हम हिंदी स्टेनोग्राफर हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो बताइए जब एग्ज़ाम होगा तो क्या लिखेंगे? जब इंग्लिश का क्लिप चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो फिर हम लोग बैठे रह जाएंगे और रिजल्ट 0 होगा। इससे पहले भी 2016 में था,
हिंदी भी था, इंग्लिश भी था और बाइलिंगुअल भी था। हिंदी वाले बच्चे 121 सिलेक्ट हुए थे, इंग्लिश वाले 216 सिलेक्ट हुए थे और बाइलिंगुअल का 0 सीट रह गया था, जबकि 1057 सीट निकले थे। इस बार 1562 है, उम्मीद लग रहा है, आशा है, आशा भी नहीं है, मतलब 100% की सीट एक भी नहीं भरने वाला है बाइलिंगुअल में। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, एक और बताइए आप। सरकार से इंडिविजुअल होना चाहिए सबका, हिंदी का, इंग्लिश का और बाइलिंगुअल का, तीनों का अलग अलग होना चाहिए, तभी हम लोग जो है दो मतलब भाषा में नहीं सीख सकते हैं, कोई एक ही सीख सकता है, बहुत बहुत कठिन होता है हम लोग। जैसे 2016 में था ना, बस हम लोग का वही मांग है कि जैसे 2016 में था वैसे ही रहना चाहिए। उस समय में हिंदी के लिए अलग था, इंग्लिश के लिए अलग था और बाइलिंगुअल के लिए अलग, बस हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि जो पहले जैसे था वैसे रहना चाहिए, बस। क्या करें भैया, हाईकोर्ट में तो इंग्लिश मैंडेटरी, हाईकोर्ट में इंग्लिश मैंडेटरी था, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग और हिंदी मांग रहे हैं, हिंदी कहाँ से लिखे, हिंदी में तो कुछ आता ही नहीं है। सिविल कोर्ट में वैकेंसी निकली स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर वही होते हैं जो वकील साहब बोलते हैं फटाफट, उसको 10 लाइन को एक वर्ड में लिख कर निकल जाते हैं, फिर उसको विस्तार से निकालते हैं। जैसे कि पेपर में भी कई कई लोग आप देखे होंगे, स्टेनोग्राफर का काम यही होता है कि छोटे बड़ा से बड़ा वर्ड को एक वर्ड में लिख देना, स्टेनोग्राफर का यही काम होता है ना, यही काम होता है, बिल्कुल ना, बिल्कुल यही काम होता है, एक वर्ड में उसको लिख कर छोटा करके बता देना, फिर आगे ये लोग जाएंगे अपने घर पे उसको विस्तार से उसको बैठकर लिखते हैं या कहीं उसको प्रिंट करवाते हैं। तो इन सब की ये मांग है कि अभी बाइलिंगुअल कर दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो इसमें जैसे कि कई छात्र हो, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं सिर्फ एक ही विषय में टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो अब मान लीजिए दोनों में कंपलसरी कर दिया है, तो ये छात्र कहाँ जाएंगे, ये छात्र क्या करेंगे, एक एक स्टेनोग्राफर का टाइपिंग करना बहुत कठिन काम होती है। हम भी कोशिश किए थे करने के लिए लेकिन नहीं हो पाया हमसे भी, क्योंकि उसका एक एक वर्ड मात्रा समझ ही नहीं पाता है आदमी, और बहुत मुश्किल से आदमी को सीख पाता है। तो आज उनके साथ ये रवैया होती है कि एक वैकेंसी निकल जाती है और उसमें ये बताया जाता है कि आपको दोनों कंपलसरी कर दिया गया, आपको दोनों में देना ही पड़ेगा। तो इन सब की ये मांग है कि उस जो वैकेंसी निकली उसमें संशोधित किया जाए, राइट, संशोधन चाहते हैं ना आप लोग, उसमें संशोधन किया जाए, इन सब की यही मांग। जो दिलीप जी हैं छात्र नेता, वो भी यही मांग किए हैं कि इसको संशोधित किया जाए, फिर से उस वैकेंसी को निकाला जाए, जो 1700 सीट वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर के लिए पूरी की पूरी खाली रह जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। इन सभी का और क्या कहना, आप तो सुने ही फिलहाल, तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, तो पंचायत देख रहे थे। हाँ, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।